इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में दोस्तों वर्ल्ड कप का एक और इंपॉर्टेंट मैच एक नए वेन्यू वानखेड़े स्टेडियम मुंबई पे खेले जाने वाला है। बाकी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है, टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है, उसे आप सभी लोग पक्का से ज्वाइन कीजिएगा। बाकी दोस्तों हमारे यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइबर्स काउंट 5 लाख तक होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं वानखेड़े स्टेडियम का पिच कैसा बिहेव करने वाला है। दोस्तों यहां पर इस वेन्यू पे बड़े स्कोर नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। रिसेंटली देखोगे तो यहां पर 17 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में मैच रहा था। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम दोस्तों 188 रन पे ऑल आउट हो गई थी। 7 विकेट पेसर ने निकाले थे, 3 विकेट स्पिनर ने निकाले थे। और टीम इंडिया जब इस रन को चेस करने आई थी ना, तो टीम इंडिया के भी 5 विकेट निकल गए थे दोस्तों। और यहां पर 5 विकेट पेसर को मिले थे और स्पिन को यहां पर विकेट नहीं मिला था। उससे पहले भी 2020 पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहां पर मैच हुआ था, तो इंडिया ने बैटिंग फर्स्ट करते वक्त सिर्फ 255 रन बनाए थे। तो इस वेन्यू पे ज्यादा बड़े रन नहीं बनते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहां पर मोस्टली पेसर को ही विकेट मिलते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मतलब पेसर को यहां पर एडेड एडवांटेज है स्पिनर के ऊपर, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बाकी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड के प्लेइंग 11 पे आप लोगों को चेंजेस दिखेंगे। क्यों? क्योंकि बेन स्टोक टीम पर वापस आ चुके हैं। हाई चांसेस है हैरी ब्रूक को रिप्लेस करेंगे, नहीं तो क्रिस वोक्स को भी कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिलहाल जो मुझे लगता है प्लेइंग 11 ऐसी रहने वाली है, जॉनी बेयरस्टो और डेविड मलान ओपन करेंगे, जो रूट फर्स्ट डाउन पोजीशन पे आएंगे। उसके बाद बेन स्टोक आएंगे अगर हैरी ब्रूक नहीं खेलते हैं। उसके बाद जॉस बटलर, लियाम लिविंगस्टन, सैम करन, क्रिस वोक्स, आदिल राशिद, मार्क वुड और रिसी टोपले आप लोगों को दिखेंगे। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम की अगर मैं बात करूं तो क्विंटन डीकॉक और टेम्बा बावुमा आप लोगों को ओपन करते हुए दिखेंगे। फर्स्ट डाउन पोजीशन पे रेसी वेंदर दूसेन, फिर एडन मार्करम, फिर हेनरिक क्लासन। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को डेविड मिलर दिखेंगे, फिर मार्को जेंसन, गिराल्ड कोटजी, केशव महाराज, कगिसो रबाडा और लुंगी एमगेडी। इस मैच में भी दोस्तों आप लोगों को गिराल्ड कोटजी ही खेलते हुए दिखेंगे तब्रिश सामशी के ऊपर, क्योंकि यहां पर भी पेसर को ही एडेड एडवांटेज है। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, माई 11 सर्कल ऐप को अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे आप सभी लोगों को इस ऐप का लिंक मिलेगा। दोस्तों पर्सनली मैं खुद मेगा ग्रैंड लीग हमेशा से माई 11 सर्कल ऐप पर खेलता हूं। क्यों मालूम है? क्योंकि यहां पर कंपटीशन कम है तो यहां पर जीतना पॉसिबल है, और जीतता हूं तो दोस्तों यहां पर मुझे 1 करोड़ का कैश अवार्ड, बुलेट बाइक, आपकी महिंद्रा थार एसयूवी और बहुत सारे अवार्ड, साथ ही साथ यूरोप ट्रिप, आपके दुबई के ट्रिप्स और बहुत सारे कैश अवार्ड है। मतलब लिटरली आप सभी लोगों को यहां खेलना चाहिए। बाकी मेरे दिए गए लिंक के थ्रू अगर ऐप को डाउनलोड कर लेते हो और क्रिक23 कोड को यूज कर लेते हो तो फर्स्ट टाइम जब मनी ऐड करोगे ना वॉलेट पे, इस कोड को डालते ही 20% रियल एक्स्ट्रा कैश, बोनस नहीं रियल कैश। मतलब 1000 रुपए डालोगे वॉलेट पे 1200 रुपए आएंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लीजिएगा। 1500 रुपए का इंस्टेंट बोनस तो आप लोगों को तुरंत ही मिल जाएगा जैसे ही आपको डाउनलोड करोगे। चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सेक्शन वाइज एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन को। विकेट कीपिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड के टीम पे जॉनी बेयरस्टो और जॉस बटलर दिखते हैं, वहीं साउथ अफ्रीका के टीम पे क्विंटन डीकॉक और हेनरिक क्लासन आप लोगों को खेलते हुए दिखेंगे। जॉनी बेयरस्टो का रीसेंट परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, लास्ट के 5 मैच देखोगे तो 0-13, 33-52, हेड टू हेड 9 मैच पे 33 का ही एवरेज है। इस वेन्यू पे 1 मैच खेला है जिसपे इन्होंने 9 रन बनाया। मैंने क्या बोला, वेन्यू पे रन बनना मुश्किल है। और अगर आप लोग देखोगे जॉनी बेयरस्टो का फॉर्म ज्यादा कुछ खास नहीं है। वही बात करूं दोस्तों जॉस बटलर की, तो जॉस बटलर को देखो 38-36, 43-20, 9 रन। बाकी ओडीआई करियर 172 मैच पे 41 के एवरेज से खेलते हैं, हेड टू हेड 16 मैच पे 49 का इनका एवरेज है। हेड टू हेड रिकॉर्ड जॉस बटलर का दोस्तों अच्छा है, इस बात को नोट डाउन करके रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे इंग्लैंड के टीम से अगेंस्ट साउथ अफ्रीका।
साउथ अफ्रीका की टीम पे क्वांटन डीकॉक और हेनरिक क्लासेन दिखते हैं। क्वांटन डीकॉक का रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है दोस्तों, 45-27, फिर लगातार वर्ल्ड कप के दो मैचेस पे सेंचुरी आई, फिर लास्ट मैच में थोड़ा जल्दी आउट हुए थे 20 रन पे। वेन्यू पे दोस्तों एक मैच खेला है इन्होंने, इस वेन्यू पे इन्होंने 109 रन बना रखे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी एड टू एड भी रिकॉर्ड शानदार है, 17 मैच में 60 के एवरेज से खेलते हैं, जिसपे की 17 मैच में 3 मैच में सेंचुरी और 4 मैच पे हाफ सेंचुरी बना चुके हैं। मतलब क्वांटन डीकॉक अगेंस्ट इंग्लैंड अच्छा खेलते हैं, इस बात को नोट डाउन करके रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, रिसेंट फॉर्म भी बहुत जबरदस्त है। बाकी बात करूं हेनरिक क्लासेन की तो 174, 6, 32, 29, 28, बाकी हेड टू हेड 6 मैच खेले हैं, 36 का इनका एवरेज है। टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है तो हेनरिक क्लासेन भी दोस्तों एक शानदार बैट्समैन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी अब आ जाओ दोस्तों बैटिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस पे। बैटिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को इंग्लैंड के टीम पर डेविड मलान, जो रूट और बेन स्ट्रोक दिखते हैं। डेविड मलान का रीसेंट फॉर्म 96, 127, 14, 140, 32, बहुत अच्छे फॉर्म पर चल रहे हैं। हेड टू हेड परफॉर्मेंस और अच्छा है, 3 मैच में 63 के एवरेज से खेलते हैं, 50 एक बार और सेंचुरी एक बार बना चुके हैं, और ओडीआई पे करियर देखो 61 का एवरेज। दोस्तों बहुत अच्छे प्लेयर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और रीसेंट फॉर्म भी अच्छा चल रहा है। बाकी बात करूं दोस्तों यहां पर जो रूट की, तो जो रूट को देखो 4, 29, 77, 82, 11 रन, बाकी 16 मैच में 48 के एवरेज से खेलते हैं, सेंचुरी दो बार बना चुके हैं और 50 तीन बार बना चुके हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है जो रूट का, रीसेंट फॉर्म भी अच्छा ही लग रहा है। वही बात करूं दोस्तों बेन स्ट्रोक की, तो 27, 5, 52, 1, फिर 182 रन की पारी आई थी, बाकी 9 हेड टू हेड मैचेस पे 40 के एवरेज से खेले हैं, बेस्ट स्कोर 101 का है, 50 तीन बार बना चुके हैं और सेंचुरी एक बार बना चुके हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बेन स्ट्रोक भी एक अच्छे प्लेयर रहेंगे इस मैच में आप लोगों के लिए। टेम्बा बाउमा रीसेंट फॉर्म खराब है दोस्तों, 57, 0, 8, 35, 16, अभी तक के वर्ल्ड कप के मैचेस पे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लोग देखोगे तो नीदरलैंड के अगेंस्ट भी टेम्बा बाउमा का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा था दोस्तों। बाकी हेड टू हेड रिकॉर्ड ठीक है, 6 मैच में 54 के एवरेज से खेलते हैं, 50 एक बार और सेंचुरी दो बार बना चुके हैं, इस बात को ये नोट डाउन करने वाली एक बात है आप लोगों के लिए कि 6 मैच में 2 बार सेंचुरी बना चुके हैं अगेंस्ट इंग्लैंड जब खेले हैं, दो रीसेंट फॉर्म इनका उतना अच्छा नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बट मेगा ग्रैंड लीग पे ट्राई कीजिएगा, स्टैट्स को देखते हुए इंपॉर्टेंट लगते हैं। वैसी बनता है दूसरे की अगर मैं बात करूं तो 62, 30, 108, 26, 4, बाकी 10 मैच में 50 के एवरेज से खेलते हैं, हेड टू हेड 50 एक बार बना चुके हैं, सेंचुरी एक बार बना चुके हैं। डेविड मिलर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है अगेंस्ट इंग्लैंड, इस बात को ध्यान रखिएगा, 13 मैच में 91 के एवरेज से खेलते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि आउट नहीं होते हैं या बैटिंग नहीं आती है, तो 13 मैचेस है बट इनिंग्स कम होंगी, नॉट आउट गए हैं। बेस्ट स्कोर 71 का ही है, 50 पांच बार बना चुके हैं, तो थोड़ा सा नीचे खेलने आते हैं इसीलिए आउट नहीं होते हैं, इसीलिए एवरेज आप लोगों को ड्रास्टिकली 91 का आप लोगों को देख रहा होगा। बट स्टिल मेगा ग्रैंड लीग के लिए ना आप लोगों के लिए डेविड मिलर हो गए और टेम्बा बाउमा हो गए, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर लग रहे हैं मुझे, इनमें से एक बड़ा कर सकता है इस मैच में, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी अब आ जाओ दोस्तों अपने ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे। ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे दोस्तों आप लोगों को 4 प्लेयर दिखते हैं। इंग्लैंड के टीम पे आप लोगों को दिखते हैं लियाम लिविंगस्टन और सैम करन, वहीं साउथ अफ्रीका के टीम पे आप लोगों को दिखते हैं एडन मार्कम और मार्को जेनसन। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, चाहे आप लोग स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो या मेगा ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो, इन चारों प्लेयर को आप लोग अपने टीम पर सेलेक्ट कीजिएगा। क्यों मालूम है? परफॉर्मेंस देखो, लियाम लिविंगस्टन का परफॉर्मेंस अभी तक कुछ खास नहीं रहा है, इस बात को ध्यान दोगे तो कुछ परफॉर्मेंस नहीं रहा है, बट ओवर डालते हैं दोस्तों, बैटिंग बॉलिंग दो फील्ड है ना इनके पास, अब कहीं ना कहीं से आप लोगों को पॉइंट निकाल कर दे देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। सैम करन के साथ भी सेम है, 4 डाउन पोजीशन पे ये है, 5 डाउन पोजीशन पे ये है, और ये दोनों मिलके अगर आप लोगों को मान के चलो कि 16 से लेकर 20 ओवर तक कर जाते हैं, मतलब 16 ओवर ही डालते हैं मोस्टली ये दोनों मिलके, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उस बात को ध्यान रखिएगा। तो विकेट्स भी मिलने हैं इन्हें यहां पर क्या मिलना है, बैटिंग के भी चांसेस मिलने हैं, तो इसीलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि वेन्यू पे बैटिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए ऑलराउंडर वाला सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम एडन मार्करम के साथ है दोस्तों, अच्छे फॉर्म पे थे, 93, 106, 56, लास्ट मैच में फ्लॉप रहे थे, बाकी एड टू एड रिकॉर्ड देखोगे तो 7 मैच में 35 के एवरेज से खेले हैं, 3 विकेट है इनके पास, 50 एक बार बना चुके हैं। मार्को जेनसन जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, यहाँ देखो 47 रन 5 विकेट, उसके बाद वर्ल्ड कप पे देखो 12 रन 2 विकेट, 26 रन 2 विकेट, 9 रन 2 विकेट, मतलब बॉलिंग से विकेट निकाल रहे हैं,
यहां पर पेसर को एडवांटेज है तो और अच्छा एडवांटेज रहेगा इन्हें मार्को जेनसन को। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ऑलराउंडर वाले सेक्शन से इन चारों के चारों प्लेयर को आप लोग पिक कीजिएगा अपने मेगा ग्रैंड लीग के टीम पे भी और अपने स्मॉल लीग के टीम पे भी। बाकी गिव अवे का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों ने मुझे बताना है लियाम लिविंगस्टन इस मैच में कितना रन करेगा प्लस बॉलिंग पे उसका क्या फिगर रहने वाला है। अगर आप लोगों को लगता है कुछ ऐसा रहेगा तो जो भी आप लोगों को सही लगता हो नीचे कमेंट कीजिएगा। जवाब सही होने पे आप लोग 50,000 रुपए तक का कैश अवार्ड विन कर सकते हो। अब आ जाओ दोस्तों अपने बॉलिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस पर। बॉलिंग वाला सेक्शन दोस्तों पूरा डिपेंड करेगा कौन सी टीम यहां पर पहले बॉलिंग करने आ रही है, उस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बॉलर्स बता रहा हूं। क्रिस वोक्स इतना कुछ खास फॉर्म नहीं चल रहा है, 0-3-0-2-0, ज्यादा ओवर भी नहीं कराया जा रहा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब उतने अच्छे फॉर्म पर नहीं है। आदिल राशिद अच्छे फॉर्म पे, 2 विकेट 1 विकेट 0-1-3, बट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया वेन्यू पे स्पिन को उतना एडवांटेज नहीं है। तो फर्स्ट इनिंग्स पे इंग्लैंड की टीम बॉलिंग करने आएगी तो आप लोग ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, सेकंड इनिंग्स पे होपफुली इंपॉर्टेंट रहे अगर पिच स्लो रहती है तो। बाकी फर्स्ट इनिंग्स पे आप लोगों के लिए मार्कवुड और रीसी टोपले काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि दोनों अच्छी स्पीड से बॉलिंग करते हैं दोस्तों और यहां पर विकेट्स निकालने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं क्योंकि वेन्यू पे बैटिंग करना डिफिकल्ट है, पेसर को एडवांटेज है, तो दोनों काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वही बात करूं साउथ अफ्रीका के टीम पर तो यहां पर आप लोगों को गिराल कोटजी दिखेंगे, कोटजी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर। बाकी 3 विकेट 1 विकेट बाकी 8 मैच में 15 विकेट निकाले हैं, अच्छी स्पीड से बॉलिंग करते हैं और यहां पर पेसर को एडवांटेज है तो गिराट कोटजी एक पॉइंट पिक बन सकते हैं। बाकी केशव महाराज वही है, केशव महाराज स्पिन करते हैं 1 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, बाकी हेड टू हेड परफॉर्मेंस 6 मैच में 7 ही विकेट है, उतना कुछ परफॉर्मेंस खास नहीं है। कगिसो रबाडा दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे, देखो मैंने क्या बोला पेसर को एडवांटेज है, कगिसो रबाडा ने 1 मैच खेला है इस वेन्यू पे और 4 विकेट निकाल दिए, क्लियर। और हेड टू हेड भी देखो 9 मैच में 20 विकेट है, बट लास्ट मैच में ना कगिसो रबाडा भी बहुत ही खराब बॉलिंग कर रहा था अगेंस्ट नीदरलैंड। बाकी लुंगी एनगेडी की अगर मैं बात करूं तो ये है पेसर, बट पेस तो करता ही नहीं, हर बॉल स्लो बॉल रहती है उसकी, ठीक है। 4 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, बाकी 8 मैच में 12 विकेट है इनके पास। तो यहां से कगिसो रबाडा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है और गेराल्ड कोटजी इंपॉर्टेंट लग रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब लुंगी एनगेडी के ऊपर ना मैं गेराल्ड कोटजी को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा क्योंकि वो अच्छी स्पीड से बॉलिंग कर रहा है। बाकी अभी का टाइम पे जो टीम है उस टीम को देख लो, जॉस बटलर क्वांटेंडी को डेविड मलाना जो रूट है बैटिंग वाले सेक्शन पे, ऑलराउंडर वाला सेक्शन पूरा है मेरे पास, एडन माक्रम लियाम लिविंगस्टन सैम करन और मार्को जेनसन। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन पे रीसी टोपले मार्कवुड और कगिसो रबाडा है। अब यहां पर आप लोग गिराल्ड कोटजी को भी ट्राई कर सकते हो, इस बात को नोट डाउन करके रखिएगा, किसे ड्रॉप करोगे अब ये आपके ऊपर है, क्लियर। बाकी सीवीसी का कंटेंडर कैप्टन वाइस कैप्टन का अगर कंटेंडर आप लोग देख रहे हो तो कैप्टन का कंटेंडर मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस है कि आप लोगों को ऑलराउंडर वाले सेक्शन से दिखना चाहिए कैप्टन का कंटेंडर इस मैच पे, क्लियर। कैप्टन का कंटेंडर ऑलराउंडर वाले सेक्शन से कोई आएगा, बाकी वाइस कैप्टन का कंटेंडर दोस्तों हो सकता है आप लोगों को बॉलिंग वाले सेक्शन से दिख जाए, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है उसके डेथ के बॉलर्स आप लोगों को वीसी के कंटेंडर बन सकते हैं इस पर्टिकुलर मैच पे, अगर लो स्कोरिंग मैच रहता है तो। चांसेस है कि लो स्कोरिंग मैच ही ये रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात, माय 11 सर्कल ऐप को होपफुली आप सभी लोग डाउनलोड कर चुके होंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे लिंक है, लिंक को क्लिक करके ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लीजिए। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस खेल में आदत लगना और आर्थिक जोखिम संभव है तो आप सभी लोग जिम्मेदारी से खेलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।